जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इग्नाइट। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आपका फेवरेट वीडियोस बेस्ड ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं एक सैड न्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे CDS बिपिन रावत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ उनके वाइफ और 11 अदर्स आर्म फोर्सेस के पर्सनल भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। CDS बिपिन रावत जी के देहांत ना सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए बल्कि सारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन एक दूसरा न्यूज़ ये आ रही है कि हमारे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अंडर ट्रीटमेंट है और उनके स्पीडी रिकवरी के लिए सारा देश अभी प्रेयर कर रहा है। CDS बिपिन रावत जी ने 16 दिसंबर 1978 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किए थे। उसके बाद 31 दिसंबर 2016 में वो इंडियन आर्मी के जनरल और 31 दिसंबर 2019 में वो देश का पहला CDS बन के हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर गए थे। जब वो जनरल थे, उनके गाइड में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था और म्यांमार के अंदर घुस के इंडियन आर्मी बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी किए थे। CDS बिपिन रावत के देहांत से ना सिर्फ इंडिया के लीडर्स बल्कि वर्ल्ड लीडर्स भी सदमे में है। वो सब अपने अपने तरीके से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के इस ट्वीट को आप देख सकते हैं। इसराइल के एक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, फ्रांस के एम्बेसडर, मालदीव के प्रेसिडेंट, ये सब वर्ल्ड लीडर्स ट्विटर में अपने अपने संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मीडिया हाउसेज लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स इस न्यूज को भी कवर कर रहा है। दोस्तों, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा अपना सा इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। इसीलिए मेरा दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं। आज का मेरा वीडियो बस यहाँ तक। दैट्स ऑल। थैंक यू।